हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज योर सेजल। आई होप यू आर गुड गाइज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्यूटी बास्केट का एप्पल टोनर का रिव्यू। गाइज, इससे पहले मैंने बहुत सारे टोनर्स का ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, एस्ट्रोजन का भी। सो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक जरूर कीजिएगा। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्यूटी बास्केट का नेचुरल एप्पल टोनर। इस तरह की इसकी पैकेजिंग है गाइज, इसकी जो बॉटल की पैकेजिंग है वो चेंज हो चुकी है, एंड एप्पल टोनर है विद ऑल द एप्पल एक्सट्रैक्ट्स। ओके, तो मैं एक चीज़ कुछ और बता दूँ कि जो एप्पल है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे हम एप्पल टोनर की बात करें, चाहे कोई भी एप्पल लाइक फेस पैक है या एप्पल साइडर विनेगर। सो ये बहुत अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए। तो चलिए, ये पीछे क्लेम कर रहे हैं दैट एप्पल एक्सट्रैक्ट जो है स्मूथ बनाता है हमारी स्किन को बिल्कुल, दे आर फुल ऑफ विटामिन सी। ओके, एंड ये हमारी स्किन को जो है मॉइस्ट एंड ग्लोइंग करता है गुड। एंड इंडियन ब्रांड है एज वी ऑल नो। इसकी जो गाइस क्वांटिटी है वो 500 ml है, एंड इसका जो प्राइस है 150 rupees है, एंड आप इसे ड्यूरेशन डेट से 2 से 2.5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अब मैं एक्चुअली, मुझे सब कुछ इसमें बहुत अच्छा लगता है एज वी ऑल नो दैट ये ब्रांड जो ब्यूटी बास्केट, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज ये नॉमिनल ब्रांड है एंड आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। सो इसमें दोनों चीज़ें शामिल हो रही थी, प्राइस वाइज भी काफ़ी नॉमिनल है एंड मेन थिंग जैसे क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जिस मुझे एक चीज़ थोड़ी सी इसमें अच्छी नहीं लगती कि इन्होंने देखिए वैसे तो कस्टमर केयर नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह अपना, एंड यू नो वेबसाइट वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इन्ग्रीडियंट लिस्ट जो है ना मिसिंग है। ये इन्ग्रीडियंट लिस्ट नहीं देते हैं, जो मुझे पता नहीं क्यों नहीं देते, बट मैं सच कहूँ थोड़ी सी चिलाकी लगती है। सो मुझे लगता है दैट इन्ग्रीडियंट लिस्ट जो है मैंशन करना वो मस्ट होता है। तो चलिए, उसके बाद इस तरह के ये जो रेड इन कलर है, एंड इस तरह से आप इसे ओपन करते हैं, एंड स्प्रे आप इजली कर सकते हैं स्प्रे होम में। कुछ टोनर्स आते हैं जो लाइक जिसको आपको उसका जो बॉटल का ऊपर से ढक्कन है वो ओपन करना पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ कॉटन बॉल्स आप उसे लगाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है खेचल बढ़ गई, इसलिए बड़ा बेस्ट होता है। लाइक आपने इसका लिड ओपन किया, जस्ट स्प्रे किया अपने फेस के ऊपर एंड इट्स फिनिश। सो गाइज, मैं एक चीज़ बता दूँ कि गर्मियाँ हैं तो टोनर तो इस्तेमाल करना, एस्ट्रिंजेंट या फिर टोनर इस्तेमाल करना मस्ट है, क्योंकि देखिए ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है, तो इससे जो और स्वेटिंग की प्रॉब्लम को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। इससे जो आपको मतलब जितना स्वेटिंग आएगा उससे आपकी अगर स्किन डर्ट, स्किन में आपकी डर्ट रहेगी, ठीक है, आपकी स्किन जो है काफ़ी डल हो जाएगी, उसमें डेड लेयर स्किन इंक्रीज हो जाएगा और पिंपल्स का प्रॉब्लम भी हो जाएगा गाइज। सो इसीलिए टोनर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, CTM क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करना बहुत मस्त होता है। अब CTM कैसे करना है, देखिए एक तो मॉर्निंग टाइम आप कीजिए जो आप अपना मॉर्निंग स्किन केयर कर रहे हैं मतलब तैयार होने से पहले, और एक नाइट टाइम जो आप अपना सारा मेकअप वगैरह रिमूव करें, नाइट स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं तब करें। और बाकी अगर आपको CTM डिटेल में जाना है तो गाइस इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इससे पहले भी जो मैंने टोनर्स का रिव्यू किया है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और चीज़ देखिए, इसे नॉर्मल, कॉम्बिनेशनल, ड्राई स्किन सब इस्तेमाल कर सकते हैं, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्यूटी बास्केट की ना एक ही खासियत भी होती है, वैसे इस पर ये चीज़ नहीं लिखा हुआ, लेकिन जितने भी मैंने ब्यूटी बास्केट के प्रोडक्ट्स यूज़ किए वो होते हैं फॉर ऑल स्किन टाइप्स। आपकी स्किन कोई भी टाइप है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जिनका स्किन जो बहुत ओवर पिंपल कई लोगों का रहता है, लाइक दिस काइंड ऑफ चिक एरिया जो है उनका ओवर पिंपल रहता है, सो गाइस उन्हें मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एस्ट्रिंजेंट इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ टोनर, आप एस्ट्रिंजेंट की तरफ थोड़ा मूव करें, क्योंकि एस्ट्रिंजेंट जो है पिंपल्स को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने ऑलरेडी ब्यूटी बास्केट के एस्ट्रिंजेंट का भी रिव्यू किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और बाकी मेरे इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है गाइज, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, और मुझे इस प्रोडक्ट की एक ये बात बहुत अच्छी लगती है गाइज़ की, देखिए ये जो है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा किफ़ायती भी है प्राइस वाइज भी, और जो क्वालिटी है जो कि मस्ट है वो भी बहुत अच्छी है। सो डेफिनेटली गाइज आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये मेरा प्रोडक्ट मैं जब लेकर आई थी मुझे लगा लाइक ये भरा हुआ था, अगर आप देख पा रहे हैं आपको दिख रहा होगा इतना, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली मुझे 2 weeks हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए, कि किस तरह से स्किन पे जलन तो नहीं हो रही, कुछ तो नहीं हो रहा, तो मैंने सब चेक किया, एवरीथिंग इज़ ओके। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी रिक्वेस्ट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, डेफिनेटली मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।